କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ୟାନେଲ ରିପୋର୍ଟରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। 65 ବର୍ଷରେ 7.8% ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା। ମୁସଲିମ ଜନସଂଖ୍ୟା 43.15% କୁ ବଢ଼ିଛି। ଦେଶରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଦେଶରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ କମିଛି ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 1950-2015 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା 7.8% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଯାହାର ରିପୋର୍ଟ ମେ 2024 ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଏଥିରେ 167 ଦେଶର ସ୍ଥିତିକୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଅଂଶ 1950 84%, 2015 78% ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ମୁସଲମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 9.84% 14.09% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 1950-2015 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ମୁସଲମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା 43.15% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ 5.38%, ଶିଖ 6.38% ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ 0.3% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ମୁସଲମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିବେଦୀ। ସାରେ ବିପକ୍ଷୀ ଦଳ ସବୁ ପୁଛନା ଚାହତା ହୁଁ ଇସମେ ଆପ କୌନ ସା ଆରୋପ ଲଗା ରହେ ହୈଁ। जाइए कोई चेक कर ले कि 1951 की सेंसस में क्या था और 2011 की सेंसस में क्या है। 51 की सेंसस में हिंदू 88% है, 2011 में 79.8% है और मुसलमान 9.5% है और यहाँ इस समय 14.5% से ऊपर है। तो इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, पर यह जनसंख्या का इस रफ्तार से बढ़ना और उस बढ़ती हुई जनसंख्या को ललचाई नजरों से देखकर राजनीति करने को तत्पर होना, इसलिए मैं विपक्षी दलों से इंडी गठबंधन से पूछना चाहता हूं कि आप संख्या के आधार पर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं तो इस बढ़ती जनसंख्या पर कितना आरक्षण आप बढ़ाते चले जाएंगे भविष्य में और किसका काटते चले जाएंगे। देश में 9 अधिक राज्य हिंदुओं की संख्या अति मात्रा में कम हो, ଅନ୍ୟପଟେ ମୁସଲମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା 3 କାରଣରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଆରକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ, ଏହାକୁ ନେଇ ଇଣ୍ଡି ଗଠବନ୍ଧନ କରୁଥିବା ଦାବି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିବେଦୀ। ଦେଖିଏ ମୁଁ ଏକ ସାଫ ବାତ କହି ରହା ହୁଁ, ଭାରତ ମେଁ ୟେ ଭି ଏକ ୟଥାର୍ଥ ହୈ କି 9 ରାଜ୍ୟ ଏସେ ହୈଁ ଜହାଁ ଆଜ ହିନ୍ଦୁ ମାଇନୋରିଟି ମେଁ ହୋ ଗୟା ପିଛଲେ 75 ସାଲୋଁ ମେଁ, ଦର୍ଜନୋ ଜିଲେ ଏସେ ହୈଁ ଜହାଁ ପର କି ହିନ୍ଦୁ ମାଇନୋରିଟି ମେଁ ହୈ, ତୋ ୟେ ଏକ ୟଥାର୍ଥ ହୈ। ଔର ଇଲାହାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ନେ 2006-07 ମେଁ ଏକ ଜଜମେଣ୍ଟ ଭି ଦିଆ ଥା जिसमें उसने कहा था कि 40% 45% पॉपुलेशन को माइनॉरिटी नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा था क्या ये होगा 51% मेजॉरिटी और 49% माइनॉरिटी है, यद्यपि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर यूपीए सरकार ने उसको स्टे करा दिया था। और उसका राजनैतिक लाभ लेने की गिद्ध दृष्टि किन लोगों के मन में है जाके चेक कर लीजिए। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब शुरू हुई पूर्वोत्तर के क्षेत्र से तो सबसे ज़्यादा भीड़ असम के उस इलाके में हुई जो धुबरी बरबेटा करीमगंज का इलाका है और बंगाल के मालदा में। इनकी ट्विटर लाइन पे जाके देखिएगा, एक्स लाइन के ऊपर, तो आपको दिखेगा वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, लुक एट द क्राउड। और ये वही है जहां सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन के ज्यादा डेमोग्राफिक चेंज हुई। सर्वे रिपोर्ट अनुसार दक्षिण एशिया देश जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान एवं अफगानिस्तान रे संख्या बहुल जनसंख्या वृद्धि पाउथिबा बेले संख्या लघुंक जनसंख्या ह्रास पाइछि, किंतु भारत रे एहार ठीक विपरीत होइथिबार रिपोर्ट सामना को आसीछि। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।